पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 11 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो है कटक में कांटापाड़ा में 110 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मैक्सिमम डे टेम्परेचर बात करें तो बालाकामुंडी का 32.8 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर का 28 और कटक का 27.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अभी क्यूमुलेटिव रेनफॉल की बात करें तो 1 जून से लेकर आज 27 सितंबर तक अभी तक 1086.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से अभी भी 4% नीचे है और 4 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कटाई एरिया बने हुए हैं। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। जो भी वेदर बना है आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से बना है। डे वन में आज उड़ीसा में फेयरली वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 28 तारीख को स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 29 को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और 30 को भी इसी प्रकार आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। डे 5-7 1-3 को उड़ीसा में स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 1 में आज केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए संभावना है, जिस वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। इस प्रकार डे 5 यानी 1 तारीख को कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की संभावना है, जिस वजह से येलो अलर्ट दिया गया है।